सबसे पहले तो सेल्फ परफॉर्मेंस होने वाली है, क्या तैयारी है, चल रही है, क्या नर्वस है, एक्साइटेड है, क्या चल रही है मन के अंदर? इससे पहले मैंने कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए परफॉर्म नहीं किया. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ऑन अ स्टेज यू नो देयर इज अ सर्टेन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस, बट आई थिंक एक स्टेडियम में परफॉर्म करना उसका पूरा फीलिंग ही कुछ और है. एंड जो ऑडियंस की पूरी एनर्जी होती है, आई थिंक दैट विल बी समथिंग रियली अमेजिंग एंड फॉर मी टू एक्सपीरियंस एज अ परफॉर्मर. एंड आई एम एक्साइटेड बिकॉज IPL से बेटर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो नहीं सकता, बिकॉज वी आर ऑल क्रेजी अबाउट क्रिकेट. एंड पहला ओपनिंग नाइट है, तो ओपनिंग नाइट में वी जस्ट वेटिंग टू वॉच द मैचेस. एंड या आई मीन CSK इज परफॉर्मिंग आफ्टर 2 years, सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु बिलोंग्स टू लाइक फॉर मी द मुंबई टीम, द हैदराबाद टीम, द चेन्नई टीम, देर ऑल माई टीम्स ओनली आई फील लाइक, बिकॉज आई बिलोंग टू लाइक ऑल दीज सिटीज. सो एंड इस बार मेरा परफॉर्मेंस जो होने वाला है वो चारों भाषाओं का के सॉन्ग से होने वाला है. अब कनाडा सॉन्ग आया है, वह तेलुगु सॉन्ग आया है, तमिल सॉन्ग एंड हिंदी सॉन्ग. सो या आई मीन आई गेस इट गोज आउट टू प्रीटी मच द होल ऑफ इंडिया. मेरी हालत यही होती है कि आई डोंट नो विच वन टू चूज फ्रॉम, बट ऑफकोर्स CSK हैज़ धोनी एंड ह्यूज फैन, सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम प्ले. आई नो, हाँ जी, वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा स्टेज अलग फीलिंग होता है लेकिन एक स्टेडियम का फीलिंग ही अलग होता है. एंड कल मुझे थोड़ी सी छोटी सी झलक मिली जब मैं रिहर्सल कर रही थी. सो या आई मीन वी आर रिहर्सिंग एज मच एज पॉसिबल टू गिव एन अमेजिंग स्मैशिंग परफॉर्मेंस. ओके, और किस तरह की परफॉर्मेंस होने वाली है, किस तरीके, जिस तरीके से आपने कहा 4 तरीके लैंग्वेज में गाने होने वाले हैं, सो क्या क्या तैयारी हो गई है और कितना और बाकी है? वेल रिहर्सल ऐसा एक चीज़ होता है कि आप जब तक करते रहो आप यू वॉन्ट टू डू मोर एंड मोर, बिकॉज यू नो देर इज़ नो पॉइंट एट विच यू कैन फील लाइक यू डन इट ऑल एंड नाउ यू नो यू आर कम्फर्टेबल. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द अदर परफॉर्मर्स बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रितिक एंड ही इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग एंड जैकलीन इज़ परफॉर्मिंग एंड वरुण इज़ परफॉर्मिंग. सो आई थिंक ऑल दीज परफॉर्मेंसेज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम एज वेल. एंड या आई एम विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट टू यू नो हैव एन अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड अमेजिंग ओपनिंग नाइट.